नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वधर्म संगम टीवी चैनल और मैं हूं आपके साथ अंजू भाटी। आज राधा अष्टमी का पर्व है। हर साल भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जन्माष्टमी मनाई जाती है। वहीं भाद्रपद महाशुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। ये जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद आती है। इस दिन लोग राधा रानी की पूजा अर्चना कर उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करने से जीवन में प्रेम और खुशियां आती हैं। इस दिन राधा जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उन्हें तरह तरह के भोग लगाते हैं। राधा जी और कृष्ण भगवान की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से उनका आशीष सदा बना रहता है और हर मनोकामना भी पूरी होती है। ऐसे में आइए जानते हैं कि राधा अष्टमी की पूजा के लिए आपको किन किन चीजों की आवश्यकता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा आराधना करने से धन, सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस खास मौके पर किशोरी जी की विधि पूर्वक पूजा करने के लिए आपको कुछ पूजन सामग्री की जरूरत होती है। राधा रानी की पूजा के लिए अक्षत, फूल, लाल चंदन, रोली, सिंदूर, धूप, दीप, सुगंध, इत्र, पंचामृत, खीर, फल, मिठाई, नए वस्त्र, फूलों की माला, आभूषण समेत सभी पूजन सामग्री को शामिल करें। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी को अरबी की सब्जी का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। राधा जी को पंचामृत का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। पंचामृत कृष्ण कन्हैया और राधा रानी दोनों को बेहद प्रिय है। इसके अलावा आरती के बाद पीली मिठाई और फल का भोग भी जरूर लगाना चाहिए। मीठे में उन्हें मालपुआ या रबड़ी का भोग अर्पित करें। आज के दिन राधा रानी के सम्मान में व्रत रखने का विशेष महत्व होता है। व्रत के दौरान फलाहार और सात्विक भोजन का सेवन किया जाता है। व्रत रखने से भक्तों को मानसिक शांति और भक्ति में स्थिरता प्राप्त होती है। राधाष्टमी के दिन भक्तों को राधा चालीसा या राधा स्तुति और राधे राधे मंत्र का जाप करना चाहिए। इससे भक्ति और प्रेम की अनुभूति होती है और जीवन में सुख शांति का वास होता है। राधा रानी करुणामयी मानी जाती हैं, इसीलिए इस दिन गरीबों, जरूरतमंदों और ब्राह्मणों को दान देना शुभ माना जाता है। वस्त्र, भोजन और धन का दान करके पुण्य की प्राप्ति होती है और भक्तों पर राधा रानी की विशेष कृपा बनी रहती है। राधा अष्टमी के दिन मन और वचन को शुद्ध रखें। नकारात्मकता, गुस्सा और क्रोध से बचें। ये दिन प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, इसलिए मन को शांत रखें और दूसरों के प्रति प्रेम पूर्ण व्यवहार करें। राधा रानी अष्टमी पर तामसिक भोजन जैसे मांस, मछली, अंडा और शराब का सेवन वर्जित माना जाता है। इस दिन केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। ऐसा करने से भक्तों का मन और आत्मा शुद्ध होती है और राधा रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहती है। पूजा करते समय शुद्ध और साफ वस्त्र पहनना आवश्यक होता है। बिना स्नान किए पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही गंदे वस्त्र पहनकर पूजा करनी चाहिए। पूजा विधि पूर्वक और सच्चे मन से करनी चाहिए। राधा रानी प्रेम और सच्चाई का प्रतीक है, इसीलिए इस दिन किसी प्रकार के बुरे कार्य जैसे कि झूठ बोलना, छल कपट करना या दूसरों का अपमान करना वर्जित माना गया है। हमेशा प्रेम और सद्भावना से कार्य करने चाहिए।
किशोरी जी की जय हो, राधा रानी की जय हो। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।